लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। दरोगा अभ्यर्थी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे सीबीआई जांच की मांग को लेकर, ये चौथी बार था जब कल उन्होंने किया। आपने पूरा वीडियो देखा कहां से वो शुरू कर रहे थे और कहां पे आकर उनका ख़त्म हुआ। मगर आज इसको लेकर जब हमने सवाल किया मुकेश सहनी से, जो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका क्या था कहना, आइए देखते हैं इस वीडियो में। लाठी चार्ज हो रहा है, बार बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो, और उसके बाद उनकी सीबीआई जांच की मांग सरकार ने अभी तक सुनी नहीं है, क्या कहना है? निश्चित तौर पे इसमें बड़ी लेवल पे धांधली हुआ और एनडीए के नेता भी ये बात मान रहे हैं, और एनडीए के जो सहयोगी दल है खास करके जनशक्ति पार्टी, उन्होंने भी इस बात को उठाया कि इसको सीबीआई जांच हो। तो हम लोग भी मांग करते कि इसको सीबीआई जांच हो और इसको सही तरीके से, खास करके जो व्यक्ति का भविष्य का सवाल है, इसके ऊपर सरकार गंभीर होकर इसको सोचे। दरोगा भी आरती करते हैं, विपक्ष भी हमारी मांग नहीं उठा रहा, क्या आपकी पार्टी सड़कों पे उतरेगी उनके साथ? निश्चित तौर पे जब आवश्यकता गिरेगा तो हम लोग उसकी मांग को लेकर सड़क पे उतरेंगे। तो जैसा कि आपने मुकेश सहनी को सुना, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर दरोगा अभ्यर्थी के साथ उतरेंगे, क्योंकि सरकार इनकी बात सुन नहीं रही है, सरकार मान नहीं रही इनकी बात, हम इनके साथ सड़कों पर उतरेंगे। आपने देखा कि कल किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे दरोगा अभ्यर्थी, नया तरीका ढूंढा था, उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया कि हमें कम से कम 25 लाख का इंतज़ाम हो जाए तो हम दरोगा बन जाएंगे। उनका ये इल्ज़ाम है कि सरकार हम पे ध्यान नहीं दे रही है, विपक्ष भी सवाल उतना नहीं उठा रहा जिस तरह से उठाना चाहिए। फिर उनका बातचीत हुई प्रशासन और उनके बीच में, उसके बाद वो लोग माने और उन लोगों ने अपना प्रदर्शन ख़त्म किया। महाआंदोलन का नाम दिया था, हमने हर जगह से कवर किया, वो साइंस कॉलेज से उन्होंने शुरू किया था, फिर भिखना पहाड़ी पहुँचे और उनको फिर वो जाना था विधानसभा घिराव करना, अचानक से उन्होंने यू टर्न मान लिया था और फिर पहुँच गए थे पटना कॉलेज के पास। 1 घंटे तक ये पूरा हंगामा चला था, वो भी आपने देखा हंगामा चला था, सड़क जाम हो गई थी। फिर फाइनली वो माने, जब उनकी बात हुई प्रशासन से, प्रशासन से बात हुई और उन्होंने टाइम दिया है कि होली तक अगर हमारी बात मान ली जाती है, सीबीआई जांच की ही तो मांग कर रहे हैं हम, सीबीआई जांच करवा दो और हमारी थोड़ी कोई मांग है, ये उनका कहना था। और सीबीआई जांच की मांग पे वो अड़े हैं, ये चौथी बार प्रदर्शन कर रहे थे, इससे पहले 3 बार वो प्रदर्शन कर चुके थे, कल चौथी बार था। अब उन्होंने ये भी कहा है, अल्टीमेटम एक तरह का समझ लीजिए, कि होली के बाद अगर अभी तक हमारी मांग नहीं मांगी गई तो होली के बाद इससे बड़ा महाआंदोलन करेंगे हम। वो चीज़ अब देखने वाली बात है कि अभी वक्त है होली तक में, क्या उनकी मांग मांगी जाती है। विपक्ष भी आज सदन में विधानसभा के बाहर हंगामा कर रहा था दरोगा अभ्यर्थी को लेकर, जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर वो उन्होंने मांग उठाई विपक्ष ने विधानसभा में। और ये सब आपने देखा, विधानसभा के बाहर जब हंगामा, विधानसभा के जो हाउस है उसके बाहर जब हंगामा हो रहा था, सब सारी चीज़ें आपने देखी। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।